अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम आपको इनोवेटिव लीडर्स में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, मैटर हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में मिलता है। मैटर में दो रिएक्शन होते हैं, एक रिएक्शन को फिजिकल रिएक्शन, दूसरे को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिजिकल रिएक्शन क्या है? Physical reaction is a reaction in which no new chemical substance is formed. It can be reversed easily. वो रिएक्शन जिसमें कोई नई चीज ना बने, आसानी से रिवर्स हो सके, उस रिएक्शन को हम फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल रिएक्शन है। जब बर्फ पिघलता है, मेल्ट होता है पानी की शिकल में, तो आसानी से बर्फ में रिवर्स हो सकता है। जब बर्फ से पानी हुआ तो कोई नई चीज नहीं बनी। फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस, पानी जब आइस की कंडीशन में आएगा तो वो भी फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सेंट, ये फिजिकल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना और रिवर्स भी आसानी से हो गया, इसलिए इस रिएक्शन को हम फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। अब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अ केमिकल रिएक्शन इज अ परमानेंट रिएक्शन in which one or more chemical substance are formed and it is impossible to reverse. रिएक्शन जो परमानेंट रिएक्शन हो, जिसमें से एक या एक से ज्यादा नई चीजें बने और रिवर्स करना भी उसे मुश्किल हो, तो उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि बर्निंग पेपर, अगर आप कागज का टुकड़ा जलाएंगे तो वो जलकर मुख्तलिफ अशिया बनाएगा, जैसे कि राख और कार्बन डाइऑक्साइड, और वो दोबारा कागज की शक्ल में तब्दील भी नहीं हो सकता। ये केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कैंडल भी केमिकल रिएक्शन है। आयरन रस्ट भी, लोहे को जंग लगना भी केमिकल रिएक्शन है। लकड़ी का जलना भी केमिकल रिएक्शन है। इन रिएक्शन में से नई चीज बनती है और इनको रिवर्स करना भी मुश्किल होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन और एडिंग और साइंथेसिस रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन या साइंथेसिस या एडिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। एडिंग का मतलब है जुड़ना। व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल केमिकल सब्सटेंसेस, अ कॉम्बिनेशन, एडिंग और साइंथेसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलें तो उससे कॉम्बिनेशन, साइंथेसिस या एडिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर, When iron and sulfur are heated together to form a new substance called iron sulfide. जब आयरन और सल्फर को हीट करेंगे तो एक न्यू सब्सटेंस आयरन सल्फाइड प्रोड्यूस होगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है टूट जाना। When a single chemical substance is broken down into two or more different substances, a decomposition reaction takes place. जब एक केमिकल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस में टूट जाए तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे, व्हेन लाइमस्टोन, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इज हीटेड स्ट्रांगली, इट डिकम्पोजर्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो उसे दो सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे। इस रिएक्शन में एक चीज से दो चीजें प्रोड्यूस हुई, तो इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब हम कंबशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंबशन का मतलब है जलना। कंबशन इज ऑफन कॉल्ड बर्निंग व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर गिविंग आउट हीट एंड लाइट, वी से दैट कंबशन हैज टेकन प्लेस। जब कोई केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हीट और लाइट पैदा होगी, तो हम उस रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे, व्हेन मीथेन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होंगे। लकड़ी का जलना, कोयले का जलना कंबशन रिएक्शन है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनोवेटिव लीडर्स को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।